वहीं बिलारी के गांव गवाल खेड़ा में इन दिनों लोग पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के चलते खासे परेशान हैं। लोगों की माने तो वह इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान होने के बजाय समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। बहरहाल जिस तरह से गांव के लोग पानी की निकासी को लेकर परेशानी में हैं, उसे देखकर सवाल अभी उठता है कि जब गांव का हाल बेहाल है तो सरकार क्यों गांव के विकास का दम भरती है। ये वो 25 परिवार है जिन परिवारों को यहाँ पूरी तरीके से पानी रोक दिया गया है। तालाब में पानी जाता था पुराने समय से, लेकिन परिवारों को पानी रोककर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस तरीके से हम दिखाएंगे किस तरीके से इनका पानी रुका हुआ है, किस तरीके से बंद लगाए, हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं। अब आपको एक नज़र उस तालाब पर डरवाते हैं, जिस तालाब पर काफ़ी समय से पानी जाता था और उस तालाब पर कुछ MLA द्वारा इस पानी को रुकवा दिया गया और उस तालाब में अब पानी नहीं जा रहा और ग्रामीणों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। ये वो तालाब है जिस तालाब पर पानी जाता था। इतना ही नहीं, इसमें ही कब्रिस्तान भी है। ग्रामीणों ने अभी बताया कि ये कब्रिस्तानों का कोई तालाब नहीं है, ये तालाब अलग है, कब्रिस्तान अलग है। आला अधिकारी आते भी हैं, लेकिन MLA के दबाव के कारण कोई भी समस्या का समाधान इनका नहीं हो पा रहा है। ये ग्रामीण पिछले 6 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई भी निस्तारण नहीं हो पा रहा। तहसील के थाना के जो दूसरे पक्ष से मोटी रकम ले लेके और उन्होंने उनके फेवर में रिपोर्टें लगाई, हकीकत को जो है छुपाया और फर्जी रिपोर्ट लगा के पेश करी। हमने उनके बारे में इधर उधर कार्रवाई करी, लखनऊ मुख्यमंत्री तक हम पहुँचे, लेकिन फिर रिपोर्टें वही हमारे मतलब आगे बढ़ा दी गई और हमारे जो शिकायतों का कोई निस्तारण नहीं। ठोका खेल अब तक किस किस अधिकारी साहब मिल चुके हैं इसमें आप लोग? हम देखिए, जब ये शुरुआत हुई हम SDM से मिले, कोतवाल साहब से मिले, और मुरादाबाद हम DM साहब से मिले, कमिश्नर से मिले, और हमने जो है DIG तक से मिले, धरना प्रदर्शन किया हमने 100 सवा 100 आदमी ले जाके DM कोठी पर, और बिलारी में भी प्रदर्शन किया हमने, समझे, तहसील दिवस थाना दिवस सब कुछ हमने कार्रवाई करी, लेकिन आज तक समाधान कुछ नहीं हुआ। केवल पक्षपात राजनीतिक दबाव में सब टाटा फिर कोई कार्रवाई नहीं भाई। हम इतने परेशान हैं कि हमारे कुछ लोग तो एक दो हमारे समाज के पाँव छोड़ के जा चुके हैं, और हम भी अगर यही हालत है इसका समाधान नहीं हुआ तो हम लोग भी जितने जाटव लोग हैं सब गांव से पलायन कर जाएंगे। समस्या साहब, हमारा कई साल से पानी बंद है और ये जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ये हमें जाटवों को समझ के मारते हैं और हमारा पानी बंद कर रखा है इन लोगों ने बहुत दिनों से। अगर खोलते हैं तो लड़ने मरने को तैयार रहते हैं और इन कहते हैं सालों हमारा विधायक है, तुम क्या करोगे? क्या विधायक जी भाई, अब तो क्या बार विधायक जी के पास तो नहीं गए हम, विधायक तो इनकी तरफ से ही आते हैं ना। जब भी हम कोई शिकायत करते हैं तो ये जो है जो कर्मचारी आता है यहाँ चेक करने के लिए उसे जो पैसे वैसे देते हैं और विधायक जी का पूरा दबाव रहता है। कितने परिवार ऐसे हैं यहाँ पानी बंद रहता है? यहाँ साहब कम से कम 35 परिवार ऐसे हैं जो पानी से बहुत तरह परेशान है और तरह तरह की बीमारी भी हो रही है, आप देख भी रहे हैं। जैसे भारत सरकार द्वारा एक स्वच्छ भारत मिशन का एक मिशन चलाया जा रहा है, क्या आप तक लाभ पहुंचा उसका? अरे साहब, हमारे पास तो शून्य तक भी लाभ नहीं पहुंचा उनका, ना कोई आया और ना ही कोई आया। यहाँ तो बरकरार ही है गंदगी, देख रहे हो आप कितनी गंदगी है। मामले में इकट्ठे हुए हैं, 5 साल हो गए और ग्राम समाज का तालाब में पानी बंद कर दिया गया, झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, किसी ने विधायक का हाथ है उसमें, विधायक ने कुछ ना होना दिया। क्या नाम है विधायक जी का? विधायक जी का फयूम और उपाधि थे इरफान। कहाँ के रहने वाले हैं ये? मेमनपुर इब्राहिमपुर के। अच्छा, बिलाई रह रहे हैं आप तो? बिलाई रह रहे हैं। अच्छा, क्या रोल है उनका? उनका पूरा रोल है उसमें। क्या मुस्लिम समुदाय का छड़ा रखा उन्होंने और मारधार तैयार रहते, पुलिस उनका कब्जा में रहती है, प्रशासन उनका कब्जा में रहता है। आपने अधिकारियों कहाँ का सूचना दी अब तक? हमने कमिश्नर साहब के यहाँ धरना दिया, DM साहब के धरना दिया, DIG और IG के सबके कार्रवाई की, लखनऊ पहुँचे, वहाँ से आते झूठे रिपोर्ट लगवा देते हैं विधायक जी। कितने साल से बंद पानी है? पानी 6 साल हो गए इससे, पानी बंद हुए। पहले कहाँ जाता था? पहले ग्राम समाज के तालाब में जाता था। अब क्या बन गया वहाँ? अब उन्होंने बंद करा दिया विधायक जी ने। उन्होंने कहा क्यों क्यों इन लोगों ने बंद कर दिया आगे से पानी? कितने समय से बंद है? 5 साल हो गए। पहले कहाँ जाता था पानी? इस ज्यादा तालाब में जाता सामने बारे में। अच्छा, कितने परिवार होंगे यहाँ? परिवार तो हम अपने घर के न सब मोहल्ला ही है। तो किसी अधिकारी से शिकायत नहीं करी आपने? कोई आता है ना? कोई सुनता ही नहीं हमारी तो।
कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता क्यों? अब कहाँ पता, कुछ क्यों नहीं सुनते? आगे लगा दे और फिर बंद कर दे।